नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख की ठगी करने वाला आरक्षक गिरफ्तार। हसौत पुलिस ने आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी पुलिस आरक्षक को सुकमा जिले से हसौत पुलिस ने गिरफ्तार किया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले पर गिरफ्तार 32 वर्षीय आरोपी युवक मनमोहन टंडन, पिता संत प्रसाद टंडन, जांजगीर जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोरसी स्थायी निवासी हैं, जो वर्तमान समय में सुकमा जिला के आरक्षित केंद्र में आरक्षक क्रमांक 123 के पद पर पदस्थ हैं, जिसके द्वारा हसाओ थाना क्षेत्र के ग्राम हरेठी कला निवासी महत्व कश्यप पिता शिवनाथ कश्यप के छोटे भाई को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए का धोखाधड़ी की गई है। जब प्रार्थी को ठगी का आभास हुआ तो उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेकर आंसू थाना प्रभारी उप निरीक्षक योगेश पटेल द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त आरोपी युवक मनमोहन टंडन पिता शासन प्रशासन 32 वर्ष को सुकमा जिले से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। थाना असौद में महेश्वर कश्यप के द्वारा यह रिपोर्ट लिखाई गई कि उसके भाई की नौकरी लगाने के नाम से आरक्षक मनमोहन टंडन, जो सुकमा लाइन में पदस्थ थे, उनको 4 लाख रुपया का धोखाधड़ी के संबंध रिपोर्ट आई थी। इस पूरे प्रक्रम में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और मामले की जांच करने पर यह तथ्य सही पाए गए और मनमोहन टंडन को विधिवत रिमांड देते हुए अग्रिम कार्रवाई से जेल भेज दिया गया है और अन्य कार्रवाई में भी तफ्तीश जारी है। वो अभी मनमोहन जो टंडन है वो सुकमा जिले में लाइन में पदस्थ हैं और उनकी गिरफ्तारी वहीं से विधिवत की गई है।